मानव जीवन में योगासन का अनोखा महत्व है। स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए इसमें यह भी कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा का नियमित अभ्यास आवश्यक है। ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इनके द्वारा कहा गया। नगर निगम एवं जिला प्रशासन के सहयोग से विश्व योग दिवस के अवसर पर धंतोली स्थित यशवंत स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जग गडकरी बोल रहे थे। विधायक टेक चंद सावरकर, विधायक कृष्णा खोपड़े, मनपायुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त अजय चाठानकर, निवासी उप जिलाधिकारी अनूप खांडे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के प्रमुख रामभाव खांडवे, प्रसिद्ध आहार तज्ञ जगन्नाथ दीक्षित, इनके साथ ही बड़ी संख्या में योग अभ्यासक, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, एनसीसी, एनएसएस के छात्र शामिल हुए थे। इस दौरान गडकरी ने आगे कहा कि आज हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। आज हर किसी को तनाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए हम सभी को अपनी जीवन शैली में योग को शामिल करना होगा। योगा सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि योगा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। योगा न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि तनाव दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी को योग अवश्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि योगा के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ आज मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनो में इस बात को रखा और आज हमारे योग विज्ञान को विश्व की मान्यता मिली। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा अभिमान और एक प्रकार से स्वाभिमान का विषय है। हमारा आयुर्वेद योग विज्ञान, हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत विश्व को दिशा दे सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है, उसमें से योग विज्ञान है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हजारों की संख्या में आज के इस योग दिन में हमारे भाई और बहनें शरीक हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नियमित योग साधना प्राणायाम के कारण स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। मैं खुद उसका नियमित आचरण करता हूँ, उसका अनुभव, उसका फायदा भी महसूस करता हूँ। सबने अगर ये किया तो हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही प्रार्थना करता हूँ और इसमें जिन लोगों ने सहयोग किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूली विद्यार्थियों ने योगासन का प्रभावशाली सामूहिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के प्रमुख रामभाव खांडवे ने स्वस्थ जीवन के लिए हमारे जीवन में योग के अद्वितीय महत्व को समझाया। कार्यक्रम का संचालन नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन खेल अधिकारी पीयूष अंबुलकर ने किया। साथ ही इस दौरान इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले जिले के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वैभव श्रीरामे, हर्षल छुटे, छकुली सेलोकर, तेजस्विनी खिंची, यकेश वानखेड़े, खुश इंगोले, वैभव देशमुख, रचना आंबुलकर, अलीशा गायमुखे, ओम राखड़े, प्रणय कंगाले, श्रावणी राकुंडे, निसर्गा भगत, मृणाली बानाई, श्रीराम सुखसांडे, इन सभी को इस जिले के खिलाड़ी नितिन गडकरी के हाथों सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।